सात सूत्री मांगों को लेकर आज सुने गुरुवार को मोराबादी मैदान के बापू वाटिका से समरणालय तक मार्च निकाला। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के नेतृत्व में निकाले गए न्याय मार्च में आजसू के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। आजसू ने डीसी राहुल कुमार सिन्हा को अपनी सात सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सुदेश महतो ने झारखंड की वर्तमान हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन ये सरकार अपने वादों को पूरा करने में असफल रही है। आरोप लगाया गया कि सरकार ने अपने 3.5 वर्षों के कार्यकाल में झारखंड की भावना, उम्मीद और जनादेश के साथ विश्वासघात किया है। जनता अब इन चीजों से उब चुकी है। यहाँ के छात्र, यहाँ के नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ की महिलाएं, सभी को ठगने का काम किया है। एक भी निर्णय राजहित में इनका रहा नहीं। दूसरा, सरकारी संपत्तियों का दोहन किया। सरकारी संपत्ति जो भी इस राज्य के धन संपदा था, उसका सरकारी संरक्षण में दोहन हो रहा है, लूट हो रही है। इसलिए हम लगातार कहते हैं, लूट और लूट की सरकार के खिलाफ पे हमारा ये आंदोलन है। सरकार के खिलाफ जो है अपना मार्च निकाले हैं, ये सरकार जो है लोगों को इतने साल से ठग रही है। ये जो है वादा किया था इन्होंने कि हम जो है नौकरी देंगे, लेकिन इन्होंने आज तक नौकरी नहीं दी है। इतने कम समय में हम वो अपना कैसे पूरा करेंगे? तो ये सरकार जो है बस बेईमान का सरकार है, घटिया सरकार है। न महिलाओं का सुरक्षा होता है, न युवाओं के लिए कुछ हो रहा है। राजही ने देवगढ़, जामताड़ा समेत कई जिलों में आजसू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। जो रैली निकाले हैं, ये निकम्मी सरकार की विफलता के कारण हम लोग रैली निकाले हैं। आज पूरे झारखंड में बालू की ढुलाई, पत्थर की तुराई, वन की कटाई और माफिया के द्वारा जमीन भूमि की लुटाई हो रही है। और ये झारखंड सरकार आए दिन बेरोजगार को रोजगार न देकर जो लोभ लुभावन आकर्षक नारा लगा के जो इस सरकार में आए हैं, उसी के खिलाफ में हम लोगों ने यह आंदोलन निकाला है। और ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक कि हम लोग को OBC का 27% आरक्षण नहीं मिलता है, नियोजन नीति नहीं होता है, जातीय जनगणना नहीं होती है। इन तमाम लोकल मुद्दे को लेकर भी हम लोग आज रैली निकाले हैं। राजा सहनी, केंद्रीय सचिव आजसू पार्टी, ये हम लोग जिला समरालय मुख्यालय में जाके वहाँ प्रदर्शन करेंगे, वहाँ तक जाएगी ये रैली। आजसू पार्टी लगातार हेमंत सरकार की नीतियों को लेकर मुखर नजर आ रही है। जिस आदिवासी मूलवासियों के बदौलत ये सरकार बनी, आज उसी को छलने का काम किया जा रहा है। आज यहाँ के बेरोजगार, यहाँ के नौजवान वो अन्य प्रांतों में रोजगार के लिए भटक रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है। जो सोने का खान कहने वाला हमारा झारखंड है, जहाँ सभी संसाधन यहाँ उपलब्ध है, वो झारखंड में आज यहाँ के नौजवान, यहाँ के मूलवासी आदिवासी परेशान है। अन्य प्रांतों में पलायन कर रहे हैं, रोजगार की सुविधा नहीं है, कोई कल कारखाने नहीं लग रहे हैं, ऐसी विकट समस्या है। आज हमारी पहचान क्या है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के मूलवासी है, जो यहाँ के आदिवासी है, आज भी उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यहाँ के नौकरियों में उसको जगह नहीं मिल पा रहा है। आज भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका परिभाषा क्या है। 1932 का खतियान की बात करने वाले ये हेमंत सोरेन की सरकार ने आज कहाँ लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया, वो बताएं क्यों नहीं 1932 लागू हुआ। आप जोहार यात्रा के माध्यम से लोगों को बरगलाने का काम किए, लोगों को धोखा देने का काम किए, लोगों को बताने का काम किया कि हमने 1932 का खतियान लागू किया, बताओ क्यों नहीं लागू हुआ। हेमंत बाबू, इस सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आज जो यहाँ का जाति जनगणना है वो भी नहीं हो रहा है। इन सारे विषयों को लेकर, सात सूत्री मांग को लेकर के आज पूरा प्रदेश में जिला स्तरीय न्याय मार्च का, जो सामाजिक न्याय मार्च का कार्यक्रम चल रहा है, आज हजारों की संख्या में जग मैदान से महिलाएं पुरुष, आप देखें इतनी गर्मी में भी आज अपने लिए इस झारखंड को बचाने के लिए सड़कों पे उतरा है। इसलिए मैं विशेष रूप से हेमंत सोरेन जी से कहूँगा कि झारखंड के झारखंडियों को न्याय देने का काम करिए, नहीं तो आने वाला समय आपको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। यही वजह है कि आज सुप्रीमो सुदेश महतो भी हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती।